हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और आप जानते हो मैं ब्यूटिशियन हूँ। जो नया आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ और मेरा प्ले स्कूल भी है जो आप लोग देखते ही रहते हो मेरे बच्चे लोग की मस्ती। तो अभी मेरे चैनल पे ना ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स चल रहे हैं। तो आपने लास्ट अभी महाराष्ट्रियन ब्राइड का मेकअप देखा और आज हम लोग एक वेस्टर्न लुक रेडी कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट लोग की एग्ज़ाम चल रही है गाइस, तो वो एग्ज़ाम में वो लोग मुझे एक एक मॉडल रेडी करके दिखा रहे हैं। तो उसमें कल उन लोग ने महाराष्ट्र नवरी रेडी की थी और अब आज उन लोग का है वेस्टर्न लुक। एक प्रैक्टिस करेंगे, मुझे करके दिखाएंगे। तो गाइस वो सारा मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी और मेरी लाइफ की जर्नी में आप लोग सब मेरे साथ हो तो मैं वो सब आपको, मैं क्या क्या कर रही हूँ, मेरे व्लॉग्स वगैरह वो सब मैं आपको शूट करके दिखाती हूँ। और गाइस यहाँ पे ना मॉर्निंग में पाँव वाले ये वो सब आते रहते हैं। तो गाइस मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ आपका और चलिए लेके चलती हूँ मेरे पार्लर पे और वहाँ पे जाके अपन सीखते हैं, मतलब देखते हैं लड़कियाँ कैसे एग्जाम देती है और वेस्टर्न लुक कैसे क्रिएट करती है। तो उस हिसाब से फिर उनको सर्टिफिकेट पे ग्रेड मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए आप भी सीखिए मेरे साथ साथ और मेरे स्टूडेंट के साथ साथ। ओके, तो निकलती हूँ मैं पार्लर के लिए। पहले जाऊंगी मैं स्कूटी सिखाने, आप लोग जानते हो जो नया है उनको बता देती हूँ कि मैं मॉर्निंग में स्कूटी सिखाने भी जाती हूँ। तो पहले मैं जाऊंगी स्कूटी सिखाने और उसके बाद जाऊंगी पार्लर पे। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेरे पार्लर पे गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। तो गाइस चलिए अब मेकअप स्टार्ट करते हैं और मेरी मॉडल है, आ जाओ इधर मेरे पास। मॉडल है निकिता और निकिता को तैयार कर रहे हैं वहीनी। आप निकिता को तैयार कर रहे हैं वहीनी, आप भी आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ। हम तीनों मिलके, एक्चुअल में इन लोग का एग्जाम है आज ब्यूटी का और फुल बेसिक ब्यूटी कोर्स उनका कंप्लीट हो गया है तो ये एग्जाम दे रहे हैं। तो आज वो लोग मॉडर्न लुक आपको मेकअप करके दिखाएंगे और मुझे भी दिखाएंगे तो मैं वो सब शूट करूंगी आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहिनी तुम्ही काय काय सामान आणलाय ते मला दाखवा बघू। तो आयशॅडो है और ब्लशर है, प्राइमर है, हाइलाइटर है, हाइलाइटर है, लिपस्टिक है, फाउंडेशन है, ब्रशेस है, प्राइमर है, फाउंडेशन है, लिपस्टिक, कंसीलर, मस्करा और ये भी आई शेडो है ना पूरा। और ऑर्नामेंट्स भी लाया है उन्होंने, इस तरह से लिपस्टिक है और कॉम्पैक्ट है और क्लिन्सिंग मिलके, ठीक है। तो एवढ्या सामान मध्ये तुम्ही फुल त्यांना रेडी करून दाखवणार आहे मॉडर्न लुक। ओके, तो मेकअप थोड़ा चांगला झाला पाहिजे, आई मेकअप पण छान झाला पाहिजे। ओके ठीक है, तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतना मेकअप है और मेकअप का सामान है तो इसमें हम निकिता को मॉडर्न लुक में पूरा वहीनी तैयार करके दिखाएंगे। ओके, अभी मैं क्लींजिंग मिल से इसका चेहरा क्लीन कर रही हूँ। वेरी गुड गाइस, मेकअप करने से पहले कभी भी क्लींजिंग मिल से पहले चेहरे को साफ करो, फेस वॉश करो और उसके बाद बर्फ का मसाज करो। तो बर्फ का मसाज करने के बाद ना मतलब रहता है मेकअप ज्यादा देर तक। गाइस आइस का मसाज चल रहा है, ये आइस का मसाज करने के बाद 5 मिनट्स आपने रेस्ट करने देने का उनकी स्किन को और वाइप अच्छे से वाइप कर लेने का, उसके बाद रेस्ट करने देने। अभी मसाज के बाद हम लोग प्राइमर अप्लाई करेंगे। अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। हाँ
गाइस इनके पास ये कंप्लीट कवर का नेचुरल फिनिश फाउंडेशन है। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा अच्छे से वाइप करके ब्लेंड कर देंगे पूरा अच्छे से। गाइज उनकी एग्ज़ाम चल रही है पर मुझे थोड़ा वीडियो भी मैं बना रही हूँ ना साथ में, तो मैं भी थोड़ा सा उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो। फाउंडेशन अच्छा है, अच्छा ग्लो आया है फाउंडेशन से। गाइज ये फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा, देखिए फर्स्ट टाइम इन्होंने अभी सब मटेरियल लिया है क्योंकि एग्ज़ाम थी तो, पर ये वाला फाउंडेशन अच्छे से बैठ रहा है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया था ये, आज ये फर्स्ट टाइम इन्होंने लाया है और सारा मेकअप का मटेरियल का शॉपिंग किया था मलाड जाके। मलाड और नहीं इकड़ून उसके, ये मलाड से नहीं लिया है, ओके ये यहीं से लिया है गाइज, पर इसका फिनिशिंग टच अच्छा लगा मुझे। देखिए फटाक से कितना अच्छा एकदम ये हो गया फेस को। काय लावता था हे आता? अभी मैं कंसीलर यूज कर रही गाइस। फाउंडेशन इतना अच्छा है, कंसीलर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो भी जरा आंखों के नीचे और नाक की ये फाइन लाइन से, ये साइड की लाइन से वहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर लेते हैं। गाइस आंखों को कवर कर दिया है उन्होंने कंसीलर लगा के पूरा। मेरी स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज है। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो आईज मतलब आईब्रोज थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो आईब्रोज को अच्छे से फील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हम काजल लगा रहे हैं। कुठे काळा काळा वाटते तिकडे कन्सीलर लगा दो ना, हाँ थोडस कन्सीलर लावून टाका तिकडे, कुठे पण राहिलं असेल ना तर तिकडे कन्सीलर लावून टाकायचं। पुढे तुम्ही थोडस ब्राउन अर्ध लावणार आणि अर्ध न तुम्ही ब्लॅक लावणार, ठीक आहे, आणि मग ते ब्लेंड करून टाकणार, ओके। आता हे राहू दे, हाँ हाँ आता ते दोन्ही डोळ्याला बरोबरच करायला घ्यायला लागणार। ब्रश चेंज करा ब्राउन वापरताना। पहिला ह्याने ह्या साईडचं करून घ्या। गाइज आप बोलोगे कि मैम आप कैसे एग्जाम ले रही हो, आप आधा उनको बता भी रही हो, पर आफ्टर ऑल मेरे स्टूडेंट है ना गाइज, तो मुझे एग्जाम के वक्त भी उनको थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ता ही है क्योंकि मटेरियल सारा चेंज हो जाता है, तो थोड़ा उनको जितना समझ में आता है उतना करते, नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना पड़ता है।
और गाइज मैं आपको भी बता रही हूँ ना, मेरा वीडियो नहीं खराब होना चाहिए ना, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत उनको बोल देना पड़ता है। कभी भी है ना वही नहीं, मॉडर्न लुक देना रहता है ना, तो आईज का मेकअप ब्लैक में जाएगा। ठीक है, अभी हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। अभी हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। पाउडर नको ना, थोड़ा लगाओ पाउडर का, क्योंकि ना आपने फाउंडेशन जरा ज्यादा यूज कर लिया ना, तो पाउडर एकदम थोड़ा सा लगाओ। ठीक है, ओके। नाइट मेकअप के लिए अच्छा है, नाइट मेकअप में इतना डार्क मेकअप ही चाहिए। देखो जितना पोर्शन ओपन रहता है ना, ईयर्स नेक पूरा अच्छे से सब दूर घुमाने का रहता है। ईयर्स हाथ पे भी, गाइस जब आप मेकअप करते हो ना, हाथ पे हाथ भी ओपन रहते हैं ना, जितने हाथ ओपन रहते हैं आप फाउंडेशन कॉम्पैक्ट सब हाथ पे भी लगा लिया कीजिए। जो पोर्शन हमारा ओपन रहता है, पीछे का बैक साइड पूरा जितना, उस सब जगह स्पेशली ईयर्स वगैरह पे बहुत ध्यान देना, और हैंड्स पे, हैंड्स सामने आते रहते हैं। निकाला होता था ब्रशर, अभी हम ब्लशर अप्लाई करेंगे। महिनीचा आवाजच नाही निघत आहे। गाइज ये सब मेरे स्टूडेंट है, तर वहिनी तुमच्याकडे हायलायटर नाही मिळत, ओके। उनके पास हायलायटर नाही आहे गाईज, तो ये जो उनके पास पॅलेट आहे उसमें से ये गोल्डन कलर का ये यूज कर रहे हैं एज ए हायलायटर। आउटलाइन कर लेते हैं, लिप लाइनर से लिप्स को आउटलाइन किया जा रहा है गाइज।
भी लिपस्टिक है डाके तुमको यहाँ पे अंदर किया है ना ऊपर वाला। अभी हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। मस्त शेड है ना गाइस, शी इसका लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है। हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है, लिप्स बंद करो। बंद करा लिपस्टिक, दाखवा कुठली आहे। गाइस ये लिपस्टिक हुडा ब्यूटी की है, लिक्विड मैट लिपस्टिक, और उसका नंबर पता नहीं कौन सा है, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, ये शायद सेकंड कॉपी होगी। ठीक है ओके, पर इसका शेड बहुत अच्छा है। तो गाइस ये मेकअप फिनिश हो गया है और अच्छा मेकअप किया है। ऑर्नामेंट्स पहना रही है, हेल्प करो कोई उसको। गाइज आपने देखा मेकअप करने से पहले और मेकअप के बाद, देखिए लुक में कितना फर्क हो गया है। निकिता ऐसे ही रहो। गाइस होता है ना, ब्यूटिशियन खुद ना ऐसे ही रह जाती है दूसरों को तैयार करते करते। देखो वहीनी ने कुछ भी मेकअप नहीं किया। वहीनी तुमचा व्हिडिओ होणार होता, तुम्ही मेकअप करायला पाहिजे होता, पर ब्यूटिशियन हमेशा ऐसे ही रह जाती है और दूसरों को तैयार करती रहती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए। वहीनी को इजी था आज, वहीनी को कुछ ज़्यादा करना नहीं था, ना साड़ी पहनानी थी क्योंकि मॉडर्न लुक था, तो इन्होंने वन पीस पहन लिया है खुद अपने आप से, और हेयर स्टाइल में भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो वहीनी का टास्क आज इजी हो गया, पर मेकअप अच्छा किया है। मैडम कभी ब्रश हातात कभी मेकअप से सामान होता बघितला आता ते बघितलं। गाइस हाँ गाइस समझा, आपको आंखों को दो कलर हम ब्लेंड कर देते ना तो बहुत अच्छे से मेकअप बैठ जाता है। देखिए पीछे ब्लैक कलर से लिया है, आगे थोड़ा सा गोल्डन, ब्राउनिश गोल्डन कलर, क्योंकि उनका ड्रेस में भी ब्राउन है तो हमने दोनों को ब्लेंड किया है, तो अच्छे से मेकअप बैठ गया है आंखों का। और इसी तरह स्मोकी आईज टाइप थोड़ा सा कर लिया है, और आंखें इस तरह से बड़ी लगती है अगर हम पीछे विंग्स निकाल देंगे ना इस तरह से। ये देखिए गाइज,
ये पूरा थोड़ा सा शेड हमने लॉन्ग में खींच लिया है। ये देखिए इस तरह से, तो आंखें बड़ी लगती है क्योंकि आईब्रोज के कट के तक, यहाँ से यहाँ तक हमने उसको ब्रश की मदद से खींच लेना है। तो आप कुछ बोलेंगे मेरे व्यूअर्स से? बोलो। बहुत अच्छा मेकअप किया है, मुझे बहुत पसंद आया है। ओके, मेकअप अच्छा हुआ है गाइस। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइए कि ये मेकअप आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, और लाइक तो कर ही दीजिए गाइस, आप लाइक क्यों नहीं करते हो? एक लाइक करने में ज्यादा क्या है? तो इस तरह से मेरा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं और वीडियोस बताऊं, और वीडियोस बनाऊं आपके लिए। और वहीनी वेल डन, अच्छे से किया है। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, शाबाश। तो अगर आपको ये वाला लुक अच्छा लगा, इनका वन पीस वाला देखिए, तो आप जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ये वीडियोस ऐसे वीडियोस आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। अब तो बहुत सारे लुक्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, मैं वेट करती रहूँगी आपके कमेंट्स का। ओके गाइस, तो चलिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। गाइस मेरे स्टूडेंट की बड़बड़ 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 बड़बड़, 2 मिनट चुप नहीं बैठते, 2 मिनट चुप नहीं बैठते। अंजलि बराबर काटते। हाँ अरे अब टिंगू टिंगू तो दिखते ही नहीं है मैम, जाते रुक रुक मेरा वीडियो चालू है। अजून केलं नाही चालू, चालू नाही केलं, केस नाही केलं, चालू आहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।